इनरिंग रोड में उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसान 19 महीने से गांव कुतला में धरने पर बैठे हैं। इनरिंग रोड पर किसानों की जमीन पर एडीए के ठेके द्वारा रविवार देर रात मिट्टी डाले जाने पर हंगामा हो गया। किसानों ने काम रुकवा दिया, ऐलान किया कि उनकी जमीन पर जबरन काम किया तो आर पार की लड़ाई होगी, प्रशासन पहले 4 गुना मुआवजा और ब्याज दे तभी जमीन दी जाएगी। इनरिंग रोड पर कुछ जमीन किसानों की है, उचित मुआवजा न मिलने के कारण अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। यहाँ किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं। रविवार रात ठेकेदार और एडीए के कर्मचारी हथियार लेकर पहुंच गए। उन्होंने शिव कुमार और मुकेश पाठक की खसरा नंबर 148 की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया, मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जानकारी पर किसान और महिलाएं लाठियां लेकर पहुंच गईं। उन्हें देखकर ठेकेदार और कर्मचारी भाग गए। किसान नेता श्याम सिंह चार ने रात में ही एसडीएम सदर और एडीए उपाध्यक्ष को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। उनसे मिट्टी डालने की अनुमति देने के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने कोई परमिशन नहीं दी है। इस बारे में एडीए सचिव हरिराम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, पूरे मामले को दिखाया जाएगा। उधर इस तरह से कब्जा करने के प्रयास पर किसानों में बहुत आक्रोश है, वे एडीए की ईंट से ईंट बजाने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उचित मुआवजा और ब्याज नहीं मिलता वे एडीए को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। मेरा नाम मुकेश पाठक है। क्या हुआ रात को यहाँ पे? रात को करीब 6-7 किसान भी अपने धरने पर सो रहे थे। 12 बजे के समथिंग ठेकेदार के नुमाइंदे मिट्टी का काम चालू कर दिया तो गांव में गए, गांव में से किसान आए, जब जो गाय ने खदेड़ा वहाँ से और जाते जाते वो कह तो बहुत कुछ गए कि अभी हम और इससे भी ज़्यादा बल लेके आएंगे। कब्जा करने आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो ऐसी सेवा होगी कि ये जिंदगी में ध्यान रखेंगे। किसान जिस तरीके से ये आते हैं अब किसान भी धरने पर उसी तरीके से रहेगा। जैसे ये हथियार से लैस होकर आए किसान भी, अब हथियार से लैस होकर के इस बारे में एडीए का कहना है, एडीए के अधिकारी बताने को। हाँ, सचिव जी से बात हुई, बीसी साहब से बात हुई और जो कहा एसडीएम सदर रजनीश मिश्रा जी से बात हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि हमने ऐसी कोई एनओसी नहीं दी है कि जहाँ पचेसन नहीं है वहाँ जाके आप मिट्टी डालो, लेकिन ये ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है। ठेकेदार इसमें बवाल कराने के चक्कर में है, पेट्रोल छिड़क रहा है, ये बिल्कुल अनियमितता है। और अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, आगरा में टप्पल बन जाएगा। ये इनकी जो क्या है, फिर है ना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि क्या हुआ इसमें और क्या होना चाहिए था। प्राइम 18 न्यूज़ आगरा से सुनील अरोड़ा की खास रिपोर्ट।